पारशिवनी तहसील के कन्हान कांदरी टेकाड़ी खंडाड़ा नीलच सह आदि ग्रामीण इलाकों में बुधवार रात को हुई भारी बारिश से चारों ओर अफरा तफरी मच गई। भारी बारिश के कारण किसानों के खेतों में पानी जमा होने से सोयाबीन कपास तुअर धान और अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसानों पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में पारशिवनी तहसील में कुल 182 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस भारी बारिश से किसानों के खेतों में पानी जमा होकर बड़े पैमाने पर नुकसान होने की जानकारी कृषि विभाग को मिलने से जिले के कृषि अधीक्षक रविंद्र मनोहरे ने नुकसानग्रस्त का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारी कर्मचारियों को नुकसान का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर तहसील के कृषि अधिकारी सुरेश शिंदे, किसान नेता संजय सत्यकार, खंडाड़ा ग्राम पंचायत के उपसरपंच चेतन कुंभलकर सह आदि संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश में हो रही लगातार भारी बारिश के चलते चौराई बांध के 2 गेट 0.6 मीटर से खोले गए हैं, जिसका 84.11 क्यूमिक पानी नदी में छोड़ा गया। चौराई बांध में गेट खोलने से और रामटेक तहसील में तोतला डोह बांध के पानलोट क्षेत्र में बुधवार को हुई भारी बारिश से तोतला डोह बांध में जलस्तर काफी बढ़ जाने से गुरुवार को शाम 7 बजे बांध के 2 गेट 0.30 मीटर से खोले गए, जिसका 63 क्यूमिक पानी पेचुर कन्हान नदी में छोड़ा गया है, जिसके चलते नदी किनारे गांव के लोगों को सतर्क रहने का आह्वान पेचपाड़ बंधारे विभाग ने किया है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ऋषभ बावनकर, कन्हान, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयां मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।